डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ रहे थे, ये हम लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी है। ये फिगर हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, समझ गए थे इस फिगर को, सरल सूक्ष्मदर्शी के फिगर को। चलिए इसकी को आगे हम लोग कुछ डेराइव करते हैं, कुछ फार्मूला के व्यंजक को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके नीचे फिगर बना लिए होंगे पिछले ही क्लास में, लिखा जाए। माना कि एल, कैपिटल एल, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसके प्रकाशिक केंद्र ओ, जिसके प्रकाशिक केंद्र ओ तथा फोकस एफ के बीच एक्स की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, वस्तु को रखा गया है जिसका आवर्धित प्रतिबिंब पी क्यू, इसका नाम रख दीजिए पी क्यू, जिसका आवर्धित प्रतिबिंब पी क्यू डी दूरी पर बन रहा है। देखिए डी दूरी पर बन रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर डी डिस्टेंस पे हम लोगों का ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, उसके नीचे लिखेगा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम दिखाते हैं, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है बीटा बटा अल्फा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब कोणीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एम बराबर क्या होता है, बीटा बटा अल्फा, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो चलिए इस बीटा बाई अल्फा के हम लोग डेरिवेशन को हम लोग लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि लिखिएगा बीटा बटा अल्फा, और उसके बाद माना माना कि बीटा जो है टैन बीटा के लगभग बराबर है। देखिए बराबर का तो साइन ऐसे होता है, जैसे अगर हम लोग ऐसे ऐसे देंगे तो इसका मतलब होता है कि लगभग बराबर। तो बीटा जो है किसके लगभग बराबर है, टैन बीटा के, और अल्फा जो है टैन अल्फा के लगभग बराबर है। इसलिए हम एम के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, एम के जगह पे बीटा के जगह पे हम टैन बीटा रख सकते हैं। इसलिए लिखिएगा एम बराबर टैन बीटा बट्टा टैन अल्फा। और बीटा और अल्फा एंगल कौन कौन सा है जरा ध्यान दीजिए। तो बीटा हम किसको बोल रहे हैं, तो बीटा बोला जा रहा है, एक्चुअली बीटा हम लोग बोल रहे हैं इसको, ये एंगल को, ये हम लोगों का बीटा है। तो टैन बीटा का फार्मूला होता है पी बटा में बी, यानी कि लंब बटा में आधार, तो इसके सामने को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया पी क्यू, तो एम बराबर पी क्यू बाई कौन सी क्यू ओ, और क्यू ओ का दूरी कितना है डी, तो पी क्यू बटा में डी। और अल्फा इसमें हम दिखाए नहीं हैं, चलिए अल्फा का भी फिगर बना लेंगे। अल्फा जो है हमारा नेत्र, नेत्र का दर्शन कोण है, यानी ये हो गया हम लोगों का दर्शन कोण। जैसे मान लिया कि वही दूरी है डी, डी जो है दूरी है जहाँ पे एक वस्तु थी बी और ए, ठीक है। इसका हाइट कितना है एच, और ये हम लोगों का दर्शन कोण है, तो जिसको हम लोग अल्फा से सूचित कर रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ए बी बटा में डी, तो इसके नीचे लिखेंगे ए बी बटा में डी, यानी कि टैन अल्फा और टैन बीटा के इक्वल कर देना है। और टैन बीटा, टैन थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे ना 10th क्लास में, कि पी बटा में बी होता है, तो टैन बीटा के सामने होता है पी, यानी कि पी क्यू, और बटा में क्यू ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यू ओ का डिस्टेंस डी है। उसी तरीके से नीचे नीचे वाला कट गया, तो पता चला कि पी क्यू बटा क्या हो गया ए बी, तो पी क्यू बटा ए बी हो गया हम लोगों का एम का फार्मूला।
अब जरा आप अच्छा से देख पा रहे होंगे, तो ओ पी क्यू एक ट्रायंगल, ओ ये वाला पी क्यू और ओ ए बी दोनों क्या हैं, समरूप हैं। समरूप त्रिभुज जब रहते हैं तो हम लोग जानते हैं ना कि भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद लिखिएगा चित्र से त्रिभुज कौन कौन सा, ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ ए बी क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप रहते हैं तो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है, इसलिए लिखेंगे पी क्यू बटा में ए बी बराबर ओ क्यू बटा में ओ बी, ठीक है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे पी क्यू इसका हाइट है, पी क्यू बटा ए बी, पी क्यू बटा में ए बी बराबर में क्यू ओ बटा में ओ बी, क्यू ओ बटा में ओ बी। तो पी क्यू बटा ए बी का वैल्यू कितना कितना हो गया, पी क्यू बटा ए बी इज इक्वल टू, इसी को ना डी बोल सकते हैं क्योंकि क्यू से लेकर ओ तक की दूरी डी है और ओ से लेकर बी तक की दूरी एक्स है, तो डी बट्टा में एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त पी क्यू बट्टा ए बी को ही ना हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे एम, पी क्यू बट्टा ए बी को क्या बोल रहे थे एम, एम के जगह पे पी क्यू बट्टा ए बी, इसलिए दोस्त एम के जगह पे हम डी बाई एक्स लिख सकते हैं। और जब एम का वैल्यू डी वाई एक्स हो गया तब यहाँ से अब हम लोग चलेंगे लेंस सूत्र से। अब लिखिएगा लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी एक तरीके का हम लोगों का ये डी है, और डी हमेशा चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे, तो बाएं तरफ है तो माइनस डी। उसके बाद u का बात कर लेते हैं, तो u कौन है, वस्तु दूरी, तो वस्तु कितना पे रखा गया है, x पे, लेकिन इसको हमेशा माइनस एक्स लिखते हैं। उसी तरीके से 1/f है, तो फोकस दूरी तो ऑलरेडी f का f है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ होगा 1/-d माइनस 1/-x बराबर 1/f, माइनस 1/d प्लस 1/x बराबर 1/f, ठीक है, माइनस 1/d प्लस 1/x और 1/f। अब हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देख लो यहाँ से एक्चुअली हम लोग बोले तो डी वाई एक्स निकाल सकते हैं, तो निकल सकता है। तो चलिए डी और एक्स का एलसीएम कितना होगा, तो डी एक्स इतना हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कितना प्लस डी, ठीक है, और बराबर 1/f। और जब इसको पलटेंगे, अच्छा प्लस होगा ना यहाँ पे, प्लस होगा, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसको भी व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाय सॉरी, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स बाय डी एक्स कर लेते हैं, माइनस एक्स बाय डी एक्स, या फिर वैसे तो काम नहीं चलेगा, डी वाई एक्स इज इक्वल टू 1/f। यहाँ के बाद ना हम लोगों को प्रूफ करने के लिए एक काम करना पड़ता है, वो ये यहाँ उसके बाद लिखेगा दोनों तरफ d से गुना करने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, d से गुना, तो इसको d से गुना करेंगे तो कितना होगा -1, और इसको d से गुना करेंगे तो होगा d बाई एक्स होगा बराबर में d बाई एफ, ठीक है।
यानी कि दोनों तरफ हम लोग क्या किए, d से गुना, इसको भी d से, इसको भी d से, इसको भी d से। अब यहाँ बन गया माइनस वन प्लस, इसी d बाई एक्स को हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, m लिख सकते हैं। तो यहाँ m लिख दिया बटा में d बाई एफ। अब ये माइनस वन है उधर गया तो हो जाएगा प्लस वन, यानी कि वन प्लस डी बाई एफ। तो इसलिए दोस्तों प्रूव होता है कि एम का वैल्यू कितना होता है, वन प्लस डी बाई एफ। ये आवर्धन किसके लिए, तो सरल सूक्ष्म दर्शी के लिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हम लोगों तो एम को तो बोलते हैं आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, जिसका फार्मूला होता है क्या, तो बीटा बटा अल्फा। लेकिन ये एम क्या बतलाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी को बतलाता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी का एम का वैल्यू कितना होता है, तो वन प्लस डी बाई एफ। तो ये सवाल बिल्कुल आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कोणीय आवर्धन का व्यंजक निकालिए, क्योंकि एम का हम लोग बोलते हैं कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन किसका हुआ, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग प्रूव करते हैं। तो आज के क्लास में आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करके प्रूव कीजिए, और फिर आने वाले क्लास में हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।